नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्निकल आदिल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से स्पेशल ट्रेन का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। दोस्तों, COVID-19 और लॉकडाउन में जो लोग बाहर शहरों में फंस गए हैं, उन्हें अपने घर वापस भेजने के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनें चालू की हैं। भारतीय रेलवे ने आज 12 मई से देश की राजधानी नई दिल्ली से देश के कई प्रमुख शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई हैं। ये ट्रेनें नई दिल्ली से पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़, मुंबई, जम्मू तवी, अहमदाबाद सहित 15 रूटों पर ऐसी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए टाइम टेबल की घोषणा कर दी है। तो ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा और यहां पर सर्च करना होगा IRTCT और इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसे अभी यहीं से ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा, इसे आप अलाउ कर दें। अब ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, आप इसे पढ़ लें। इसमें लिखा है कि COVID-19 जो मैंने अभी शुरू में बताया, यही सब लिखा है इसमें। यहाँ पर ओके कर दें। अब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस, टिकट बुक करने के लिए पहले आपको बैक आना होगा और यहाँ पर लिखा है लॉगिन। अगर आपकी गाइस आईडी बनी है इस पे, तो आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दें। अगर आपकी आईडी नहीं बनी, तो यहाँ पर रजिस्टर यूज़र पर क्लिक करें। अब गाइस, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, आप क्या चूज़ करना चाहते हैं वो अपना यूज़र नेम रख सकते हैं। पासवर्ड नीचे जो आपने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड दोबारा डालें, कंफर्म करें पासवर्ड को। फिर आप गाइस अपना फर्स्ट नेम डालें। फिर अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर मिडिल नेम डाल सकते हैं, वरना लास्ट नेम डालें। डेट ऑफ बर्थ डालें, अपना जेंडर चुनें, मेल हैं या फीमेल या अदर। आप अपनी नेशनलिटी चुनें, नेशनलिटी में इंडिया चुनें। सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनें, व्हाट इज़ योर पेट नेम, ये क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। मैं अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनता हूँ, व्हाट इज़ योर पेट नेम। सिक्योरिटी आंसर जो भी आपके पेट का नाम हो वो लिख दें, तो मैं लिख देता हूँ। तो गाइस, मैंने लिख दिया है। यहाँ पर अपनी ऑक्यूपेशन चूज़ करें, आप गवर्नमेंट सरकारी सर्विस करते हैं, पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड या स्टूडेंट है या अदर। मैं स्टूडेंट पर क्लिक करता हूँ। आप अपना मैरिटियल स्टेटस चूज़ करें, आप मैरिड हैं या अनमैरिड। मैं अनमैरिड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट कर दें। मैंने सब कुछ फिल कर लिया है, अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना होगा। सबसे पहले आप यहाँ अपना एड्रेस फिल करते हैं, फिर स्ट्रीट, एरिया, फिर यहाँ पर आप अपनी कंट्री चूज़ करते हैं। मैं इंडिया चूज़ करता हूँ। फिर आप अपने पिन कोड डालते हैं, फिर आप सिटी चूज़ करते हैं, स्टेट ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाती है। फिर आप अपना पोस्ट ऑफिस चूज़ करते हैं, मैंने पोस्ट ऑफिस चूज़ कर लिया है। अब आपको यहाँ अपना फ़ोन नंबर डालें, मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया है। अब आप देखिए, मैंने जैसा आपको बताया था, मैंने सब कुछ पूरा वैसा का वैसे ही फिल कर लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। गाइस, आपके सामने अब एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको एक सेम एड्रेस फिल करना है। आपके सामने कैप्चा आ रहा है, अब यहाँ पर वेट करना होगा थोड़ा कैप्चा भरने के लिए। यहाँ पर आप डायरेक्टर चूज़ कीजिए। अगर कैप्चा आपके समझ में नहीं आ रहा, तो नीचे इधर
एक गोल तीर का निशान है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, दूसरी आ जाएंगे। अब आपको बस चूज़ करनी है, बस चूज़ कर लेता हूँ मैं। बस चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका कैप्चा फिल हो गया है। अब आपको फिर से अपना पूरा एड्रेस भरना है। मैं एड्रेस भर देता हूँ। नीचे स्ट्रीट चूज़ कर देता हूँ, फिर एरिया, कंट्री चूज़ कर लेता हूँ। अब मैं पिन कोड डालता हूँ अपना पूरा पहले की तरह। फिर मैं सिटी चूज़ करता हूँ और पोस्ट ऑफिस चूज़ करता हूँ। फिर फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ। फिर नीचे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक मैसेज आया है, इसमें लिखा है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आपको लॉगिन करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। अब आप नीचे आप देखिए ओटीपी आ चुका है। अब हम इधर नीचे आके ओके पर क्लिक करते हैं, तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब हम इसके बाद आ जाएंगे लॉगिन पर। यहाँ पर आपको अपनी यूज़र नेम डालना होगा, तो मैं यूज़र नेम डालता हूँ और पासवर्ड जो आपके और पासवर्ड जो आपने डाला था वो डालते हैं और नीचे लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। अब आपके सामने फिर से रिकैप्चा आया है, वेरीफाई हो रहा है, इसमें थोड़ी देर लगती है, तो चलिए हम वेट करते हैं। अब आपको यहाँ पर कार्ड चूज़ करनी है, तो मैं कार्ड चूज़ कर लेता हूँ और वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ पर आपको OTP जो मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है वो डालना है और ईमेल आईडी पर OTP आया है वो डालना है। तो मोबाइल नंबर पर OTP आ गया, मैं डालता हूँ और नीचे आपके एक जीमेल पर OTP आएगा, आपको वो डालना है। तो जीमेल पर OTP भी शो नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ 3 लाइन्स पर जाता हूँ और नीचे ऑल पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये आ गया है। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ और OTP को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ वापस आकर ऐप पर पेस्ट कर देता हूँ और नीचे वेरीफाई यूज़र पर क्लिक करता हूँ। OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहाँ दोबारा से लॉगिन करना है, पासवर्ड डालें आप जो आपने उस टाइम डाला था और यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर दें। फिर से वेरीफाई हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है और वेरीफाई हो चुका है। अब आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक पिन सिलेक्ट करनी होगी, जैसे ही जब भी आप खोलेंगे आपको ये पिन डालनी पड़ेगी। तो मैं पिन डाल लेता हूँ 1234 1234 और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबमिट हो चुका है, अब आपके सामने सब आ चुका है। हमारे सामने एक ऐसा पेज खुलकर आता है टिकट बुक करने के लिए। यहाँ पर प्लान माई जर्नी पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप अपना स्टेशन चूज़ करते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक का टिकट बुक कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली से पटना तक का चूज़ करता हूँ और यहाँ पर डेट चूज़ करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। अब सर्च ट्रेन पर क्लिक करते हैं।
अब आप जो ट्रेन सिलेक्ट कर, जिस ट्रेन में आप टिकट बुक करना चाहते हैं वो ट्रेन चूज़ करते हैं और यहाँ पर आप सीट चूज़ करते हैं। आप सिंगल सीट लेंगे, डबल या थ्री। तो मैं फर्स्ट ए पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं है, तो मैं सेकंड ए पर करता हूँ। सेकंड ए भी कोई खाली नहीं है, तो मैं थ्री ए पर करता हूँ। यहाँ पर कोई सी भी सीट खाली नहीं है, तो मैं दूसरी, गाइस यहाँ पर कोई सी भी सीट खाली नहीं है, तो मैं आपको यहीं तक वीडियो दिखा पाऊँगा। अगर कोई सीट अवेलेबल होती तो मैं आपको पूरे प्रोसेस दिखाता कि आप कैसे सीट बुक करें। तो गाइस इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और आज के लिए बस इतना ही।